नमस्कार, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताऊंगी या तैयार करके दिखाऊंगी एक बहुत ही बढ़िया खाद जो कि जैविक है, घरेलू, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। तो ये जो रेसिपी है मैं आज बनाऊंगी, ये सारे प्लांट्स में हम डाल सकते हैं, क्योंकि अभी एक से दो बार हम डालेंगे, कम से कम 7 से 10 दिन का गैप देके, क्योंकि एक बार फर्टिलाइजर देने के बाद 7 दिन तो गैप देना ही पड़ेगा। इसमें नॉर्मल वाटरिंग करने से ही काफी है, क्योंकि अभी बरसात आने ही वाला है, रेनी सीजन आने वाला है, तो उस टाइम हम ये फर्टिलाइजर और यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फंगस लगने का चांसेस रहेगा। तो मैं 3 स्टेप्स में बताऊंगी, क्योंकि जो मेन रेसिपीज है वो मैं बता दूंगी पहले या दिखा दूंगी, फिर दूसरा स्टेप्स है और तीसरा भी है। तो जानने के लिए बने रहे मेरे साथ अंत तक फ्रेंड्स। आज का जो लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही असरदार है प्लांट्स के लिए। ऐसे तो समय देख के इसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा मतलब बरसात ना हो तो 1 से 2-3 बार भी यूज कर सकते हैं, और बरसात के टाइम तो ऐसे ही जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बरसात का पानी में नाइट्रोजन काफी मिलता है, तो प्लांट ग्रोथ अच्छी तरह होती है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, तब प्लांट्स का खतरा रहती है, क्योंकि ये उस टाइम बहुत ज्यादा पानी जम जाते हैं तो वो प्लांट्स छरने गलने का चांसेस रहती है। प्लांटर में हो तो खास करके ध्यान देना पड़ेगा कि पानी जमा ना हो जाए, ऐसे प्लेस में रहे या ऐसे कुछ व्यवस्था रहे। और नीचे जमीन पे होने से तो इतना चिंता करने का कोई बात नहीं, वो तो अपने आप ही पानी निकल जाएगा, कुछ तो होगा। तो ये जो मैंने फर्टिलाइजर तैयार किया, ये डाल रही हूँ सारे प्लांट्स में, ये अल्मंडा है, एजिलिया है, हिबिस्कस, मोगरा, सारे रोज सारे प्लांट्स में हम डाल सकते हैं आसानी से या निर्भय होकर, कोई डर नहीं है, सारे प्लांट्स में हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए जो रेसिपी है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए चाहिए 5 लीटर वाटर, और पहले दिन 50 ग्राम्स मस्टर्ड केक या सरसा खली मैं अलग सा एक कटोरी में भिगो के रख दिया, थोड़ा सा पानी डालकर। तो वो अभी 5 लीटर पानी में हम ऐड करेंगे। 2 दिन पहले ये भिगो के रखा था, अच्छी तरह फर्मेंट हो चुका है। और इसके साथ मिलाएंगे 25 ग्राम वुड ऐश। यहाँ पे 4 तरह की चीजें चाहिए। ये जो वुड ऐश है 25 ग्राम्स, ये आजकल नर्सरी पर भी उपलब्ध है और सब ढूंढने से मिल जाएगा मार्केट में, और गांव में तो बहुत बड़े आसानी से मिल जाता है। और 25 ग्राम्स है टी लीव्स, 25 ग्राम्स टी लीव्स वाटर, ये भी मैं पहले दिन भिगो के रख दिया 10-12 घंटा पहले। और उसके साथ थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है 5 ग्राम, दिखाई दे रहा था दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी का टुकड़ा इसीलिए डाला कि फंगस ना लगे और रूटिंग हार्मोन का भी काम करेगा, रूट्स ग्रोथ में मदद करेगा। तो ये हम डाल दिया सारे प्लांट्स में अपने देखा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा रेसिपी, वो मैं खास करके इंडोर प्लांट्स के लिए बनाया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, जैसे मैं 500 ml वाटर लिया, उसमें भी अभी मैं वही दालचीनी का वाटर मिला दिया, उसमें है थोड़ा सा चाय पत्ती और थोड़ा सा उडस उसमें भी है, इसमें मस्टर्ड केक नहीं डाला। ये भी 50 ml करके सारे प्लांटर्स में मैं डाल दूंगी, क्योंकि इंडोर प्लांट जो होता है वो प्लांटर्स भी छोटे छोटे हैं और ज्यादा वाटर नहीं चाहिए, ज्यादा डालने से नीचे से बह जाएगा, वो ठीक नहीं है। और अभी मैं जो 3 नंबर पे बताऊंगी वो भी बहुत ही बढ़िया है, एक स्प्रे में बताऊंगी जो कि फंगिसाइड का काम करेगा। ये भी मैं 25 ग्राम्स मैं दालचीनी
एक पात्र में भिगो के रख दिया था पहले दिन, वही वाटर मैं अभी छान के स्प्रे कर दूंगी अंदर की सारे इंडोर प्लांट्स में। ये भी मैं 25 ग्राम्स एक साथ मैं तैयार करके रख देती हूँ, जब मर्जी मतलब जब मन होता है तो मैं सारे प्लांट्स में मैं स्प्रे कर देती हूँ। ये भी मैं सारे प्लांट्स में कर सकती हूँ, कोई डर की बात नहीं है, सारे फूल फल सब्जी सारे में हम स्प्रे कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा, कितना पानी चाहिए कितना, दालचीनी पाउडर भी बना के डाल सकते हैं, तुरंत बन जाएगा। और ये मैं छोटे छोटे टुकड़ों डाल के रखा था रात को, तो मैं वो भी स्प्रेयर में भर के स्प्रे कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगे तो आप लोग भी कर सकते हैं, और ऐसे रेसिपी पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे अंत तक और आगे भी जुड़े रहे मेरे साथ। तो अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।